मैस्टेक का 830L मल्टीमीटर, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैस्टेक 830L मल्टीमीटर। कभी कभी यहाँ पर कंटिन्यूसली बीप का प्रॉब्लम आ रहा है और आप एम्पियर्स चेक नहीं कर पा रहे हो और जो इसके जो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, जो सर्किट वर्क नहीं कर रहे, तो इस टाइम में आप लोग ये इसको रिपेयर कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। चलिए मैं और भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात है जो आप लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरा मैस्टेक का 830L मल्टीमीटर है, आप लोग देख सकते हैं ये मल्टीमीटर के जो प्रॉब्लम है ये एम्पेयर टेस्ट नहीं कर रहा है और इसमें और एक प्रॉब्लम है जो ये कंटिन्यूस बीप दे रहा है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं प्रॉब हटा के दिखने का कोशिश करूँगा। जो बीप है कंटिन्यूसली बीप दे रहा है, उसके ये जो मेन प्रॉब्लम है, मगर इसमें जो रेजिस्टेंस है ये चेक किया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी शाइन दे हो रहा है और मैं प्रॉब को टच करता हूँ तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस शो हो रहा है 2.3, जो शो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी मदद से मैं वोल्टेज मेजर कर सकता हूँ। तो चलिए इसको वोल्टेज मेजर करते हैं। तो मेरे पास में एक बैटरी है, ये जो बैटरी है ये खराब हो चुका है, मगर इसमें कुछ वोल्टेज है और कुछ एम्पेयर है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज शो हो रहा है वो 3.63 है, मगर जो एम्पेयर है इसमें करीबन 100 के आसपास है, मगर इसमें कोई एम्पेयर नहीं शो हो रहा है। तो यही है इस मल्टीमीटर का प्रॉब्लम। तो चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अपना क्या करना होगा, इस प्रॉब को हटाइए। उसके बाद केस को हटाने के बाद वो जो है मल्टीमीटर को सर्किट को पूरी तरह से ओपन करना होगा। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो फ्यूज है, ये जो फ्यूज है ये 10 एम्पेयर का फ्यूज है और मैं ये देखने का कोशिश करूंगा ये 10 एम्पेयर का फ्यूज है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये 10 एम्पेयर और 250 वोल्ट का है और ये जो है 200 mA 250 वोल्ट का। तो हम लोग इसको निकल के इसको कंटिन्यूटी है जो है इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक ट्वीज़र का ज़रूरत होगा, तो इसके ट्वीज़र की मदद से हटाया जाए। तो चलो इसको निकल लेते हैं। तो ऐसे ये जो है ग्लास के बने होते हैं तो सावधानी का ज़रूरत है। चले इसको निकल आया है और उसके इसको चेक करने के लिए और दूसरा मल्टीमीटर का जरूरत होगा, जिसको कंटिन्यूटी पर रख के यहाँ पर कंटिन्यूटी का चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है खराब है, तो ये जो फ्यूज है ये जल गया। ये कैसे जला मैं तो ये बताऊँ, तो मानिए जो 200 mA लिखा हुआ है उसको जो आप हाई एम्पेयर से कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर ये फ्यूज जल जाने के चांसेस है, तो इसको रिप्लेस करना होगा। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा इस पीएलए फ्यूज के साथ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ इसके अंदर फ्यूज वायर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये शाइन कर रहा है, तो ये फ्यूज है, ओके है। तो चलिए इसको कंटिन्यूटी पर रख के चेक कर लेते हैं। ये जो दो आ रहा है ये इस मल्टीमीटर का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब का रेजिस्टेंस है, तो इसको छोड़ी देते हैं। इसको जो कंटिन्यूटी और जो रेजिस्टेंस है उसके वैल्यू जीरो है, तो ये सही है। चलिए इसको यहाँ पर लगा देते हैं और दूसरी बार इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसका जो प्रॉब है इसको लगा लेते हैं। यहाँ पर रेड, यहाँ पर ब्लैक वाले वायर लगे हुए, तो चलिए इसको दोबारा टेस्ट करते हैं। तो ये जो है बैटरी, तो चलिए इसको हम एम्पेयर टेस्ट कर लेते हैं फर्स्ट में। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 70
गिर रहा है तो ये बैटरी खराब है। तो एम्पियर शो हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज ठीक कर लेते हैं, वोल्टेज भी सेम ही है तो ये का। और यहाँ पर जो है ये कंटिन्यूस बीप का जो प्रॉब्लम है ये अब सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसको बीप करके देख लेते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बीप हो रहा है। तो मैं एक चीज़ दिखा दूँ, ये कोई भी वैसे कोई भी टूटे फूटे नहीं है, और जो वह जो प्रॉब है ये इस बल मल्टीमीटर के साथ कनेक्टेड है। तो चलिए इसको दोबारा लगा के कोशिश करते हैं। ये जो है बीप हो रहा है, मैं छोड़ दूँ तो ये इन्फिनिटी पर जा रहा है। तो ये मल्टीमीटर पूरी तरीके से वर्क कर रहा है और इसके जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है।